सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट को लेके है। आप सभी को पता होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान हमारे नेत्र एक्स एयरक्राफ्ट के द्वारा हमारे मिराज 2000 जेट्स को बेहतरीन तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड किया गया था, जिस वजह से वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आतंकवादियों के ठिकानों के ऊपर हमला कर पाए थे। नेत्र एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल सक्सेस को देखने के बाद डीआरडीओ अभी नेत्र एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना चाहती है और अभी वो इसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डीआरडीओ अभी पहले से एक बेहतर एक्स प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जिसमें A330 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होने वाला है और साथ ही इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी वो नेत्र एयरक्राफ्ट के एक अपग्रेडेड वेरिएंट को भी ऑफर कर रहे हैं, जिसे C295 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाने वाला है। ये वर्तमान की नेत्र एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली सेम रडार है, जो कि 240 डिग्री तक का कवरेज दे सकती है, लेकिन फ्यूचर में इसे 360 डिग्री तक का कवरेज के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। ये वर्तमान के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाली है, क्योंकि C295 एयरक्राफ्ट अभी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने वाली है, जबकि A330 और फाल्कन एक्स प्रोग्राम की बात करें तो इन दोनों एयरक्राफ्ट की प्राइस काफी ज्यादा है और इसी वजह से अभी दो एडिशनल फाल्कन एक्स को इंडक्ट करने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। तो प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट की अपग्रेडेड वेरिएंट अभी हमारे लिए एक सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन होने वाली है। दोस्तों, अगला अपडेट इंडिया की एंटी सैटेलाइट मिसाइल को लेके है। कल मैंने आप सभी को कहा था कि द डिप्लोमेट में एक आर्टिकल आया था, जिसमें बताया गया था कि 27 मार्च को किए गए एंटी सैटेलाइट मिशन से पहले भी 12 फरवरी को डीआरडीओ के द्वारा एक मिसाइल को लॉन्च किया गया था और उस दौरान वो टेस्ट नाकामयाब रहा था और ये बात यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बताया गया था। लेकिन वो ये भी क्लेम कर रहे थे कि 27 मार्च को जिस मिसाइल का टेस्ट हुआ था, 12 फरवरी को उसी मिसाइल का टेस्ट हुआ था या फिर किसी और मिसाइल का टेस्ट हुआ था, ये बताना मुश्किल है। और जिसने भी ये बात दावा किया था, उन्होंने बस अपने अंदाजे से ही बात को कहा था। तो आज डीआरडीओ की तरफ से इस बात को क्लारीफाई कर दिया गया कि 12 फरवरी को एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट नहीं किया गया था, जिससे ये साफ होता है कि 27 मार्च को ही इंडिया ने अपना पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल को लॉन्च किया था और वो टेस्ट बिल्कुल सफल रहा था। वहीं पर इसी बात को लेके नासा ने जो स्टेटमेंट दिया था कि इस टेस्ट की वजह से 400 के आसपास स्पेस डर्बीज पैदा हुए हैं और ये एक टेरिबल थिंग है, इस बात को लेके नासा को काफी नेगेटिव कमेंट मिले हैं। और वहीं पर यूनाइटेड स्टेट के तरफ से भी भारत को इस टेस्ट के लिए बधाई दिया गया है और ये जो भी स्पेस डर्बीज अभी पैदा हुए हैं, ये बस 45 डेज के अंदर ही क्लियर हो जाएंगे। अगला अपडेट MH-60R हेलीकॉप्टर्स को लेके है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को कहा था कि इंडिया की तरफ से MH-60R हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए यूनाइटेड स्टेट को एक लेटर को भेजा गया था, जिसका क्विक रिप्लाई देते हुए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी इन हेलीकॉप्टर्स को इंडिया को सप्लाई करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया है। इन हेलीकॉप्टर्स को अभी लॉकहार्ट मार्टिन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर एंटी सबमरीन ऑपरेशंस को भी कंडक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी को काफी मदद करने वाले हैं और इसी बात को नजर में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जल्दी से इन हेलीकॉप्टर्स को इंडिया को सप्लाई करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया है। इस डील की कीमत करीब $2.6 बिलियन है, जिसके अंदर हम 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स को खरीद रहे हैं और कुछ सोर्सेस के मुताबिक हमारे फ्यूचर नेवल मल्टीरोल हेलीकॉप्टर की टेंडर में भी इन्हीं हेलीकॉप्टर्स को सिलेक्ट किया जाएगा और इनको फ्यूचर में इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए अभी यूनाइटेड स्टेट के साथ बातचीत किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से है। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से अभी बताया गया है कि 2019 की जुलाई के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड में 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट किया जाने वाला है, जिनमें से पहले दो हेलीकॉप्टर्स को नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडक्ट किया जाएगा और इनको बे ऑफ बंगाल एरिया में पेट्रोल करने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन की इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के अलावा दो एडिशनल हेलीकॉप्टर्स को भी इंडक्ट किए जाएंगे, जिनको भुवनेश्वर या फिर कोलकाता रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के पास अभी टोटल 36 डोनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनको आगे चल के अपग्रेड भी किया जाने वाला है और इनमें से 3 अभी कोलकाता में और 3 भुवनेश्वर में डिप्लॉय किए गए हैं।
हालांकि ये सभी एयरक्राफ्ट 6 से 8 साल पुराने हैं और काफी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन फिर भी इनके विनिंग सिस्टम में अभी कुछ अपग्रेडेशन किए जाएंगे और इसमें एलईडी डिस्प्लेज लगाए जाएंगे और हर 12 महीने के बाद एयरक्राफ्ट को सर्विस की जरूरत पड़ती है, जिनको एक एक करके अभी अपग्रेड किया जाने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। दोस्तों, पाकिस्तान को अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ब्लैक लिस्ट में ऐड किया जा सकता है और ये बात मैं नहीं बल्कि इस बात को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है। उन्होंने कहा है कि एफएटीएफ के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाले जाने की वजह से सालाना पाकिस्तान को $10 बिलियन का नुकसान हो रहा है और अभी पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये अंदाजा लगाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान को एफएटीएफ के द्वारा ब्लैक लिस्ट में ऐड किया जाता है तो उनको कितना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मार्च के लास्ट वीक में एशिया पैसिफिक ग्रुप के द्वारा पाकिस्तान का एक दौरा किया गया था, जिस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग एक्टिविटीज को लेकर सीरियस कंसर्न जताया था और उन्होंने पाकिस्तान में चल रहे बहुत सारे आतंकवादी संगठनों के ऊपर फिजिकल कार्रवाई ना करने को लेकर भी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था। ऐसे में एफएटीएफ के द्वारा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ऐड करने की चांसेस काफी हद तक बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब ये कहते हैं कि भारत की जिद और इन्फ्लुएंस की वजह से एफएटीएफ के द्वारा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। दोस्तों, अगला अपडेट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज को शुरू किया गया है। इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलियन नेवी की तरफ से एक हेलीकॉप्टर डॉक, 2 फ्रिगेट, 1 कन्वेंशनल सबमरीन और 1 ऑयल टैंकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का नाम ऑस्टिन डेक्स है और इसे पहली बार 2015 में विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया था। इसकी दूसरी एडिशन को ऑस्ट्रेलिया की फेरमेंटल कोस्ट में जून 2017 में कंडक्ट किया गया था और अभी इसकी तीसरी एडिशन को वापस विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया जा रहा है। नॉर्मल लेवल एक्सरसाइज की तरह इसमें भी बायलेटरल टाइज और म्यूचुअल कोऑपरेशन को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन स्पेशली इस बार एंटी सबमरीन वॉरफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाने वाला है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।